विशाल के साथ जो आपकी नोकझोंक हुई उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वो वाकई में गलत थे? जब आपने बाहर आके वो वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कान में कहा था भाभी अच्छी लगती है। मैडम उसको छोड़ दो ना, मैंने एक वीडियो और डाल रखी है अपने इंस्टा पे, मुझे लग रहा था वो एक थप्पड़ कम था, दो चार थप्पड़ लगने चाहिए थे। जब वो लवकेश कटारे और विशाल बात कर रहे थे, अच्छा साले तूने ये देख के बोला था, तो उसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं हवस प्रॉपर दिख रही है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। बाकी कृतिका के लिए आपने जो व्लॉग में डाला है कि बिग बॉस 18 में शायद वो दिखाई दे सकती है, तो ऐसा है कंफर्म कंटेस्टेंट के रूप में? ऐसा कुछ नहीं, मैडम वो मस्ती कर रहे थे। वो मस्ती कर रहे थे? अगर आपको मौका मिले दोबारा जाने का तो आप जाएंगे बिग बॉस? बिल्कुल जाएंगे मैडम, हर साल जाएंगे, बुलाएंगे। तो आप तो फ्रस्ट्रेटेड थे, आप तो कृतिका के साथ बोल रहे थे भाई ट्रॉफी फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो निकलना चाहता हूँ बस यहाँ से। बस फिर कोई बात नहीं मैडम, कहते हैं ना कि 42 दिन मैंने उस घर में निकाले हैं, टॉप 5 में होके भी पूरे फिनाले में भी मैं उसी घर में था, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पहले निकाला गया। मैं पूरे सीजन में था, जब पूरा शो बंद हो गया तब मैं घर आया। कैसा फील हुआ आपको कृतिका फाइनलिस्ट तक पहुंची, टॉप 5 तक पहुंची? देखो मैडम हमारे घर में कोई भी वहां तक पहुंचता अच्छा ही लगता है, पर कुछ ना मंदबुद्धि लोग हैं जिनका दिमाग ज्यादा चलता है कि डिजर्विंग नहीं थी, और वो लोग बोल रहे हैं जो नथिंग थे शो के अंदर, नथिंग थे। हमारे एक दीपक भाई हैं जो शो के अंदर गए थे न्यूज रिपोर्टर, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा कि अरमान अगर शो में देखा जा रहा था तो दो बीवियों के कारण गया था। तो दीपक सर को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, दीपक सर ठीक है भगवान, मतलब आपको चोट वोट लगी वो चीज़ मुझे बुरी लगी, पर आपने भी शो में कुछ नहीं किया। अब मुझे लग रहा था कि आप शो में गए क्यों, आपके घर वालों को घर रखना चाहिए था, आप भी तो सिर्फ फेम के लिए गए थे। जो आदमी इतना ज़्यादा बीमार, इतनी तकलीफें, इतनी चीज़ें, उसके बाद भी बिग बॉस के घर में बैठा, क्यों बैठा भाई? चलो मैं दो बीवियों को लेके पहुंच गया, पर मैंने दो बीवियों का वहां पे कुछ यूज़ नहीं किया, मैं अपनी तरफ से अकेला ही खेल रहा था। लोगों ने मुझे ट्रॉल किया दो बीवियों के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अकेला खेल रहा था, और उस घर में जितना हुआ मैंने अपना 100% दिया, लोगों से जो बातें थी जो मुद्दे थे सारे रखे। और दीपक भाई कह रहे हैं कि भाई ये वो, तो दीपक भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं किया आपने उस शो में। आप उस शो में अगर बात की जाए तो मेकर ने सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी जहाँ पे आपको एंकर बनाया, आपको चीज़ें बोली गई, आपको काम करवाएगा, आपने भी शो में कुछ नहीं किया। नहीं, आप तो धीरे धीरे सभी कंटेस्टेंट्स की बुराई कर रहे हैं, आपके रिश्ते किसी से नहीं बने, आप ये कहना चाहते हैं एक तरीके से? मैडम देखो क्या है, आप बातें घुमा रहे हो, उन्होंने एक बात बोली मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, विशाल पांडे लड़ाई आपने अभी रिपोर्टर के लिए भी कह दिया, दीपक चौरसिया के लिए भी, ठीक है, वड़ा पाव गर्ल के लिए, वड़ा पाव से तो आपका अच्छा, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित से तो आपका अच्छे रिश्ते थे। हाँ तो फिर मैंने बताओ क्या बोला उनके लिए? नहीं तो मैं पूछ रही हूँ ना, अच्छे रिश्ते थे या नहीं? देखो क्या था ना, अगर मेरी किसी से कलेश थे, दीपक भाई से मकबूल के लिए भी आपने बोल दिया कि वो तो शायद मेकर से डिसाइड कर लिया था, तो फिर बचा कौन आप बताइए? मैडम जो दिखा वो बोला ना, सच बोलने की तो आगे तो जल्दी निकल गए थे अरमान, बाकी कंटेस्टेंट्स तो पहले ही निकल गए थे, बचे कुछ जो फेमस थे वो यही थे। असल में क्या था ना, जो थे अरमान ने बोला, कड़वा बोला, सच्चा बोला, मुंह पे बोला, और यही बात लोगों को बुरी लगती है। किसके साथ बने अरमान बिग बॉस मेरे? देखो वो क्या ना, अगर बात की जाए साई केतन राव, बढ़िया रिश्ते, मजेदार, आखिरी तक, घर तक, अभी तक, ठीक है। रणबीर शौर्य, मजेदार रिश्ते, ठीक है। उसके बाद शिवानी ने कोई भी हरकत की हो, पर मैंने कभी भी उसके बारे में बुरा सोचा नहीं। जब मैं बाहर आके देखता हूँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बहुत सारा बोल रही है, जब वो अंदर थी तब भी सपोर्ट किया था, पर वो ना क्या था, छोटा अखबार थी, यहाँ की वहाँ बात करने की उसकी बचपन की आदत है जो सुधर नहीं सकती। और दूसरी बात, उसके बाद नेजी से छोटे मोटे नोकझोंक होती रहती थी, पर मैं उसको पसंद करता था कि हाँ भाई शांत अपना मजे कर रहे, और क्या पूरे घर से थोड़ी प्यार करने गया था मैं। अरमान ठीक है, अभी आपको नहीं लगता बिग बॉस से आने के बाद आपकी जो दो बीवियों वाला चैप्टर है वो कुछ ज्यादा हाईलाइट हो गया? अब वो चलो पहले मैं आपके फॉलोअर्स को मानती थी, यंगस्टर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, बच्चे भी हैं उसमें, लेकिन अब हर घर में बिग बॉस देखा जाता है, हर घर में बिग बॉस देखा जाता है, आपकी फैमिली अब सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। मैं तो ये कहूंगा कि चलो मेरे सोशल मीडिया से 10% लोगों को पता था, तो बिग बॉस को ये नहीं करना चाहिए था ना कि मुझे बुला के पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। ये बात आप बिग बॉस को बोलो कि क्यों बुलाया अरमान को। तो आपने भी तो शादी की तब तो आप नहीं डरे ना, तो फिर बिग बॉस में सामना करने से क्यों डर रहे हो? बिग बॉस में जाकर आप दोनों बीवी खड़े होकर नहीं डरे? मैं सामना कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँगा, बात बताओ, अगर सामना नहीं करता तो आपसे इंटरव्यू नहीं देता। बिग बॉस से आप जब आप बिग बॉस से वापस आए, अब आप ज्यादा हाईलाइट है, जो आपको नहीं भी जानता है वो अब सब जानते हैं, और एक ही नाम से जानते हैं, दो बीवियों वाला पति अरमान मलिक। तो अब आप बीइंग अ इन्फ्लुएंसर
और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर आए हैं, तो आप एक मैसेज जो देना चाहते हैं सोसाइटी पे, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, वो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरी बात सुनो। मेरा पहले भी आप वीडियो उठा के देख लेना कि भाई हो जाती है, मुझसे गलती हुई है, मैं पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं कर रहा था पहले भी, अब भी, ठीक है। आप कृतिका पायल के ब्लॉग में देखना, मैं उनके ब्लॉग में -1% दिखता था, हमेशा ही मैंने ये बोला है कि जो मैंने किया वो तुम मत करना, मेरी निभ रही है, मेरी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, शायद तुम्हारी ना चलें, मैंने हमेशा ये बोला, मैंने प्रमोट नहीं किया। और बिग बॉस में क्लिप दिखाई जा रही थी कि हर आदमी चाहता है दो वाइफ हों, पर मैं आपको बता दूँ, ये बोला था मैंने, पर आपको वो क्लिप नहीं चलाई बिग बॉस वालों, बिग बॉस वालों ने चलाई वही क्लिप, पर मैंने बोला था कि मतलब कि हर आदमी चाहता है उसकी दो वाइफ हो, पर एक बात बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके घर खराब हो जाएगा। वो पूरी क्लिप चलाते नहीं, आपको बताना, वो जो दिखाना चाहते हैं वो वही दिखाते हैं। आपने कहा था कि मतलब आपने ये कहा है जो आप बता रहे हैं कि अगर दो बीवियां रहें तो फिर घर खराब हो जाते हैं, ऐसा? बिल्कुल। तो आपकी क्या रियल स्टोरी है, घर खराब हो रहा है क्या? मैंने बोला हो जाते हैं, मेरा घर खराब नहीं हो रहा, मेरा तो क्या ना खराब हो चुका था, दोबारा ठीक हुआ। मैं तो जो आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जितना आप ट्रोल हो रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं मैडम, कमेंट तो बहुत सारे आते, कमेंट तो ये भी आते हैं कि तू दो दिन में मर जाएगा, चार दिन में तुझे गोली लग जाएगी, हम तुझे छोड़ देंगे, तू कहीं मिल हमें, तो क्या करूँगा, घर से ना निकलूँ। अच्छा, आपकी मूवी को लेकर क्या है, आपको फिर बॉलीवुड की मूवीज के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं? क्या पता मैडम, जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, क्या पता कुछ ना हो, क्या पता बहुत बड़ी चीज हो जाए। अभी क्या सोचा आपने, बिग बॉस के बाद आपका सफर, आप कहाँ? कुछ नहीं मैडम, मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं तो बस ये रहता है जो सेम डे होता है वो ठीक है, अगले दिन किसी ने नहीं सोचा। आप अपने ब्लॉग्स डेली बनाते हैं? जी जी। कैसे टाइम डिवाइड करते हो? हो जाता है मैडम, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिंदगी है, कैसे ना कैसे चीजें अपने आप ही हो जाती है। लेकिन अरमान, जैसे अभी मैं गर्ल पूछ रही हूँ, जैसे अगर टाइम ज्यादा आपने एक बीवी को दिया तो दूसरी तो बुरा मानेगी, फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरे घर में ना वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, 7 साल हो गए, चीजों को बच्चे हो गए, और जो एक जलन फैक्टर था वो इन दोनों का खत्म हो चुका है। अगर मैं इस घर में आज ये दोनों एक साथ रह रही है तो वो इनकी बॉन्डिंग है, मेरा इसमें रोल नहीं है, वो इनकी बॉन्डिंग है कि आपस में इनकी बनती है, ये नहीं कि मैं कहता हूँ तो बना, नहीं, वो इनकी बॉन्डिंग। आप नहीं चाहते कि दोनों अलग हो कभी भी, आप साथ में ही रहना चाहते हैं हमेशा से? क्या तो है ना, रिश्ते हैं ये, कोई कागज के टुकड़े तो है नहीं फाड़ के फेंक दें। अब चीजें खराब होने के बाद ठीक हुई, ठीक होने के बाद सही चल रही है, मीडिया चाहती है, लोग चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते या फिर मेरी फैमिली खराब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरमान मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को भी आपके सारे उनके सारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।